नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का नवभारतटाइम्स.कॉम में। दोस्तों, इस संसार में भगवान ने जब भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तब उनकी मृत्यु भी अवश्य हुई है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण के जन्म के संबंध में तो उनका हर भक्त जानता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ज्ञात है कि कृष्ण भगवान की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य रूप में जन्मे भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो भगवान कृष्ण की जब मृत्यु हुई थी तब उनकी उम्र 125 वर्ष थी। उनकी मृत्यु से जुड़ी कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध का अंत हुआ तो गांधारी ने पुत्र वियोग के संताप में भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनके साथ ही यदुवंश का नाश भी हो जाएगा। यदुवंश के राजा आपस में ही लड़ेंगे और एक दूसरे का अंत कर देंगे। यह बात सुनकर पांडव चकित हो गए, लेकिन भगवान कृष्ण पर इसका तनिक भी असर नहीं पड़ा। कुछ समय बाद जब गांधारी का गुस्सा शांत हुआ तो वह भगवान कृष्ण से माफी मांगने लगी, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि माता, जो लिखा जा चुका है उसने होना ही है, इसलिए आप चिंता न करें, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण भगवान एक बार पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी वहां से जरा नाम का एक शिकारी गुजर रहा था जिसने दूर से श्री कृष्ण को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। हालांकि जब जरा को पता चला कि वह हिरण नहीं भगवान कृष्ण है तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। तब भगवान कृष्ण ने जरा से कहा कि तुम पश्चाताप मत करो, यह नियति में लिखा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इसी तीर के लगने से भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही दोस्तों, यह भी माना जाता है कि गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी राजा आपस में लड़ने लगे थे और धीरे धीरे यदुवंश का नाश हो गया था। मृत्यु से पहले भगवान कृष्ण ने जरा से कहा कि त्रेता युग में मैंने राम अवतार लिया था और सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था, इसलिए उन्हें पिछले जन्म की सजा इस जन्म में मिली है। माना जाता है कि जरा पिछले जन्म में बाली था। जरा से यह बात कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नवभारतटाइम्स.कॉम। नमस्कार।